नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय पुलिस ने आज दो अलग अलग घटना में 5 लोगों को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पहली घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने 2 लाख के इनामी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल नीतीश कुमार को एसटीएफ के सहयोग से गिरफ्तार किया। नीतीश कुमार रंगदारी और मर्डर केस में फरार चल रहा था, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने पिंटू कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 देशी पिस्टल, 4 देशी कट्टा और 63 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। वहीं दूसरी घटना गढ़हरा सहायक थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने 4 लोगों को व्हीकल चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 2 कट्टा और गोली बरामद की गई है। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। देखिए, कल ये अरेस्ट किया गया एवं उसकी निशानदेही के आधार पर हथियारों का काफी जखीरा आपके जो वर्डिंग सुना चाहिए, आपको भारी मात्रा में हथियार एवं गोलियां हम लोगों ने बरामद की। 2 अलग मैटर से जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। संजय की तरफ पीछे कीजिए। तो हाँ, ठीक है। एक मिनट भैया, हो गया। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। अपराध की बड़ी योजना को उस पे हम लोगों ने विफल किया है, पहली बात तो मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात है कि ये एसटीसी से हम लोगों को और मजबूती मिलती है एवं हम जो और इसमें गैंग मेंबर्स करते हैं उसके करीब हम पहुंचते हैं, इसकी बताई जानकारी के अनुसार। तो दूसरी चीज, इसकी अरेस्टिंग हुई और जब अरेस्टिंग और कड़ाई से पूछताछ की गई, तो इसके द्वारा जो हथियार छिपा कर रखे जाते हैं, जो लोग अपराध करने यूज करते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई। जहां पर छापेमारी करते हुए एक व्यक्ति के संरक्षण में, एक व्यक्ति के पास से उसकी एक्सटेंडेड कस्टडी में से ये हथियार बरामद किए गए, जिसमें से कि 2 पिस्टल, 4 देशी कट्टे, 3 मैगजीन, 63 गोलियां हैं अलग अलग राउंड्स की, अलग अलग कैलिबर्स की, एवं 2 बिंदोलियां बरामद किए गए। तो दोनों घटना मिलाकर के हमारे पास 6 देशी कट्टे, 2 पिस्टल्स एवं 65 गोलियां हम लोगों ने रिकवर की हैं, और कुल दो अलग अलग को मानते हुए 3+1+1, 5 व्यक्तियों की हम लोगों ने अरेस्टिंग की है। बेगूसराय पुलिस इन एसोसिएशन विद और एसटीएफ के साथ ज्वाइंट छापेमारी अभियान में यहां का कुख्यात अपराधकर्मी में टॉप 10 में शामिल नीतीश उर्फ आर्यन को अरेस्ट किया गया, जिसके ऊपर 2 लाख का इनाम था। इसका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास रहा है, वर्तमान जेल से बाहर था, उसके बाद में ये मर्डर और रंगदारी केसेज में वॉन्टेड था। इसको अरेस्ट किया गया है और इसके निशानदेही के आधार पर हथियारों की एक बड़ा जखीरा हम लोगों को हासिल हुआ, जो कि ये नागमणी गैंग में शामिल होते हुए जिन हथियारों का उपयोग किया करते थे उसको पुलिस ने पूरी तरह से बरामद कर लिया है। और उसके साथ में हथियारों के साथ में एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई, जिसका नाम पिंटू है। चिड़िया बरियारपुर थाना क्षेत्र में अरेस्टिंग हुई है। कुल मिलाकर के इस घटनाक्रम में हम लोगों को 4 देशी कट्टे, 2 पिस्टल एवं 63 गोलियां भिन्न भिन्न कैलिबर्स की हम लोगों को बरामद हुई है। इससे अपराध को रोकने में एवं और उस अपराध को रोकने में एवं उस ऐसे असामाजिक तत्वों पर इम्पोर्टेंट कार्रवाई करने में हम लोगों को बहुत मदद मिलती है। दूसरा घटनाक्रम है गढ़हरा ओपी अंतर्गत कल शाम को, कल दोपहर बाद में अरेस्टिंग हुई है, जिसमें कि वहां के एसएचओ सुमंत एवं उनके साथ के बल ने व्हीकल चौकिंग के दौरान स्कूटी पर सवार 3 लोगों को इंटरसेप्ट किया। उनके पास से 2 हथियार एवं 2 कारतूस बरामद किए गए। 3 व्यक्तियों की इसमें अरेस्टिंग हुई है, जिसमें से कि 1 लखीसराय के रहने वाले हैं एवं 2 लोग बेगूसराय में ही मुफसिल थाना एवं चकिया ओपी अंतर्गत रहने वाले हैं। उनसे पूछताछ जारी है एवं उसके आधार पर किस प्रयोजन में शायद उस पर हम लोग 2 घटनाक्रमों में बेगूसराय पुलिस को सफलता मिली है। पहले घटनाक्रम में एसटीएफ के सहयोग से पूरा किया गया, दूसरे में व्हीकल चेकिंग के दौरान हुआ। इससे अपराधियों के विरुद्ध हमारे अभियान को और बल मिलेगा। धन्यवाद। आपराधिक इतिहास मैं आपसे शेयर करूंगा। खबरों की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।